क्या आपको पता है एक ऐसी एजेंसी जो अपने ऑपरेशन से देश के दुश्मनों के होश उड़ा देती है लेकिन अपना नाम कभी सामने नहीं आने देती। एक ऐसी एजेंसी जो दुनिया के सबसे बड़े खुफिया एजेंसीज के बीच अपना अलग ही दर्जा रखती है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे रहस्यमय और पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी की, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कैसे बना था रॉ, क्या है इसका पर्पज और कैसे इसने इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को बदल दिया, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी होगा क्योंकि ऐसे सीक्रेट्स आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक और गोपनीय सफर को जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इंडिया की आजादी के बाद हमें रियलाइज हुआ कि एक पावरफुल इंटेलिजेंस की कमी हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरा बन सकती है। 1962 की साइनो इंडियन वॉर यानी कि इंडो चाइना वॉर जो हुई थी उसने इस बात को कंफर्म कर दिया। चाइना के हाथों हमारी हार ने एक्सपोज कर दिया कि हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम में बहुत से गैप्स हैं और इन्हें भरना जरूरी होगा। इसके बाद 1965 की इंडो पाक वॉर हुई जिसमें भी हमारी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस की कमी के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो 1968 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आने वाले समय में भारत की सिक्योरिटी को रीडिफाइन करने वाला था। इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम आज के टाइम में आईबी भी कहते हैं उसकी लिमिटेशंस, उसकी कमियों को देखते हुए उन्होंने एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत समझी जो भारत के दुश्मनों की हर चाल का पता लगाएगा और भारत को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। और यहीं से आरएन काओ की लीडरशिप में रॉ का जन्म हुआ। आरएन काओ जो अपनी कनिंग और बहुत ही तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे, बहुत ही स्ट्रेटजिक इंसान थे, उन्होंने रॉ को एक ऐसी एजेंसी बनाया जिसका नाम हर दुश्मन के लिए खौफ का मतलब बन गया। रॉ का सबसे बड़ा मकसद भारत के फॉरेन एडवर्सरीज को मॉनिटर करना, उनके प्लान्स को समझना और देश की हिफाजत के लिए जरूरी इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। ये एजेंसी सिर्फ भारत के बॉर्डर्स के बाहर ही ऑपरेट करती है जहां दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ नहीं पहुंचते। रॉ का मोटो है नेशन फर्स्ट और इसके ऑपरेटिव्स ने हमेशा ये बात साबित की है। लेकिन इस एजेंसी का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना ही नहीं है, रॉ कोवर्ट ऑपरेशंस यानी छुपी हुई मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के जरिए अपने टारगेट्स को निशाना बनाता है, जैसे असैसिनेशन प्लॉट, डिस्टेबिलाइजेशन और काउंटर इंटेलिजेंस एक्टिविटीज। यानी कि किसी देश में जाकर वहां की सरकार को गिरा भी सकता है, वहां पे किसी बड़े लीडर को मार भी सकता है सिर्फ भारत की हिफाजत करने के लिए। ये एक साइलेंट सोल्जर जैसा है जो कभी भी अपना नाम नहीं बताता लेकिन देश की हर लड़ाई में ये हमेशा एक हीरो की तरह सामने आता है। ये एजेंसी सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि भारत की प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती है और हर वक्त देश के दुश्मनों को धूल चटाने के लिए एक नया प्लान इनके पास तैयार होता है। दोस्तों रॉ के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही स्पेसिफिक और स्ट्रेटजिक होते हैं और हर एक्शन भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए ही किया जाता है। ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता जो रॉ के पर्सनल बेनिफिट में हो। हर चीज इसी हिसाब से सोची जाती है कि भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ क्या होगा अगर ये एक्शन लिया जाए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फॉरेन इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी रॉ दूसरे देशों के मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्लान्स को मॉनिटर करता है। स्पेशली पाकिस्तान और चाइना पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि हमारे सबसे बड़े दुश्मन और बगल में नेबर्स यही दोनों हैं जो कि अपने आप में न्यूक्लियर पावर भी मेंटेन करते हैं। इस इंटेलिजेंस गैदरिंग से रॉ इंडिया को उनके दुश्मनों के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है जिससे इंडिया आने वाले कॉन्फ्लिक्ट और वॉर में एक तरह से एक कदम आगे चलता है। साथ ही रॉ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशन चलाता है जिससे भारत की सुरक्षा काफी मजबूत होती है। और इन सब के साथ रॉ के और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे न्यूक्लियर सिक्योरिटी को मॉनिटर करना जिसमें ये पाकिस्तान और चाइना के न्यूक्लियर प्लान्स को क्लोजली फॉलो करता है। इसके अलावा आज के डिजिटल युग में रॉ साइबर एस्पियोनाज ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व है जिससे डिजिटल थ्रेट से भारत को बचा सके और साथ ही इन एस्पियोनाज इन साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके दूसरे देशों की मॉनिटरिंग कर सके कहीं वो हमारे खिलाफ कोई बायो वेपन या भी कुछ साइबर वेपन तो यूज नहीं करना चाह रहे। रॉ की एक और खासियत है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टैक्टिक, जहां दुश्मन देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करने के लिए यानी कि अशांति पैदा करने के लिए वो बहुत सारे जरिए यूज करते हैं। कभी किसी लीडर को गिरा देंगे या फिर कभी किसी सरकार को गिरा देंगे। ये बहुत तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को यूज किया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा दिखाते हैं। रॉ और सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि सीआईए के बारे में तो हम सब जानते हैं जो कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी है, दोनों ही अपने आप में एक इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं लेकिन उनका काम और स्केल काफी ज्यादा अलग है। जहां सीआईए ग्लोबल लेवल पर काम करती है तो रॉ का मेजर फोकस सिर्फ साउथ एशिया के आसपास रहता है जो कि भारत के आसपास का इलाका है। लेकिन अपने रीजनल एक्सपर्टीज की वजह से रॉ साउथ एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंस फोर्स माना जाता है। रॉ का एक और मेजर डिफरेंस है उसकी सीक्रेसी, जहां सीआईए अपने आप में थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, वो लोगों को बताती रहती है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। रॉ के ऑपरेशंस कभी भी मीडिया या फिर पब्लिक के सामने नहीं आते, वो कभी पब्लिक डोमेन में अपनी चीजों को नहीं डालती। एक तरह से रॉ पीएमओ के अंडर काम करती है और इसी वजह से रॉ के ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन भी लागू नहीं होता। आप इसके ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन यूज करके कोई भी इसके ऑपरेशन की जानकारी नहीं निकाल सकते। ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को बिना किसी लाइमलाइट के अचीव करता है, इसीलिए इस एजेंसी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते और बहुत से लोगों को आज भी भारत में लगता है कि रॉ सिर्फ एक मिथ है। नहीं दोस्तों, रॉ कोई मिथ नहीं है, रॉ उतनी ही असली है जितना भारत। आईएसआई यानी कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से कंपेयर करें तो रॉ एक सिविलियन एजेंसी है जो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर काम करती है, उसके
लीडर्स भले ही जितने पावरफुल हों लेकिन वो सबसे पहले जाके प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे, जबकि ISI मिलिट्री कंट्रोल्ड है, यानी कि उसके लीडर्स कभी भी पॉलिटिशियंस को इन्फॉर्म नहीं करते, उसका सारा कंट्रोल वहां की आर्मी के पास रहता है। और इसी वजह से ISI बहुत ज्यादा हावी है पाकिस्तान के ऊपर, वो जो भी करना चाहती है वो करती है। ISI की ज्यादातर जो स्ट्रेटजीज होती है मिलिटरिस्टिक होती है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है, जिसमें बहुत बार देखा गया है कि ISI अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पाकिस्तान के खुद के लोगों की बलि चढ़ा देती है। लेकिन रॉ एक बहुत ही डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक ऑपरेशन पर फोकस करता है, और यही रॉ का अप्रोच उसे CIA और ISI से बहुत ज्यादा अलग और ज्यादा खतरनाक भी बनाता है, ज्यादा कारगर बनाता है। रॉ ने अपने बनने के बाद कुछ ऐसे मिशन कंडक्ट किए हैं जो इंडिया के हिस्ट्री में हमेशा याद रखे जाएंगे। इन ऑपरेशन ने इंडिया की स्ट्रेटजिक और मिलिट्री पावर को एस्टेब्लिश किया और ये दिखाया कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी किसी देश की सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट मिशन इन सभी में से था जब रॉ को बने हुए से 3 साल ही हुए थे और 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बस छिड़ने ही वाला था, जब ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, तो रॉ ने मुक्ति बहिनी जो कि वहां की आजादी सेना थी उसे फुल सपोर्ट किया। वेपन्स ट्रेनिंग और स्ट्रेटजिक अलायंस का पूरा सिस्टम रॉ के हाथों था, जिसने पाकिस्तान के फोर्सेस को कंफ्यूज और बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। पाकिस्तान ने सोचता रहा कि आखिरकार मुक्ति बहिनी को हथियार या फिर ये इंटेलिजेंस मिलेगा कहां से, उन्हें तो हम बड़ी आसानी से दबा देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बैकग्राउंड से बैक स्टेज से खड़े होकर ये सब चीज रॉ संभाल रही थी। इसके चलते इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ 14 दिन की जंग में एक इतनी बुरी शिकस्त दी कि पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को एक वक्त पर सरेंडर करना पड़ा और वो आज तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती में से एक है। और इसके चलते इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई और रॉ का नाम इंडिया के कोवर्ट ऑपरेशंस की हिस्ट्री में अमर हो गया। एक और लेजेंडरी मिशन था 1974 का ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। उस समय अमेरिका और रशिया के प्रेशर्स की वजह से कोई भी देश अपना खुद का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता था, वो आके मना कर देते थे। इसी वजह से ये टेस्ट बहुत ही सीक्रेसी में किया जाना था और इसी टेस्ट को सीक्रेसी में किया भी गया, जिससे दुनिया की किसी भी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को इसके बारे में पता भी नहीं चला। रॉ ने इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था और ये आश्वस्त किया था कि कोई भी इंटेलिजेंस लीक्स ना हो और भारत न्यूक्लियर पावर भी बन गया था। 1999 के कारगिल वॉर में भी रॉ ने काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था, इसने इन्फिल्ट्रेशन के बारे में पहले ही वार्निंग दे दी थी और इंडिया के आर्म फोर्सेस को टाइमली इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी, जिसने वॉर को जीतने में बहुत बड़ी मदद की। रॉ की वजह से ही भारत ये वॉर 1.5 महीने के अंदर अंदर ऐसी स्थिति में जीता जहां सारे दुनिया के लीडर्स बोल रहे थे कि भारत का इस वॉर को जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन 1.5 महीने के अंदर अंदर रॉ की मदद से इंडियन आर्मी ने जिस तरह कारगिल के एरिया से पूरे के पूरे पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स का सफाया किया, वो चीज अपने आप में देखने लायक थी। और उसने एक चीज क्लियर कर दिया कि रॉ का सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा है और स्ट्रेटजिक अलायंस के बिना किसी भी जंग को जीतना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और कभी कभी नामुमकिन भी हो सकता है। 1968 के बाद से रॉ भारत के हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट वॉर और स्ट्रेटजिक डिसीजन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एक बड़ा डिसीजन लेना होता है तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले NSA उसके बाद रॉ के चीफ से जरूर बात करते हैं। ये एजेंसी इंडिया को उसके रीजनल राइवल्स के अगेंस्ट हमेशा एक अपर हैंड देती है और कोवर्ट वॉर्स के जरिए इंडिया को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी देती है। इसने न्यूक्लियर पावर को एस्टेब्लिश करने से लेकर टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन तक हर मेजर इशू में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। रॉ के बिना आज का भारत जो एक ग्लोबल इंटेलिजेंस प्लेयर है वैसा नहीं होता और हो सकता है कि बहुत ज्यादा कमजोर भी होता। रॉ के कॉन्ट्रीब्यूशन को कभी पब्लिक में ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन इसके एफर्ट्स हमेशा इंडिया के डिफेंस और ग्लोबल पोजिशनिंग में एक हिडन फोर्स के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी रॉ की, भारत के एक ऐसे खुफिया नेटवर्क की जो हमेशा हमारे लिए एक शील्ड का काम करता है और हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देता। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आपको रॉ की असली पावर के बारे में पता था या नहीं पता था वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि भारत के हर वासी को पता चल सके कि रॉ ने हमारे हिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसे किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।